Chapter number 2, changing of oil and oil filter. याद है ना? अब जो हमें पता होता है कि हम हमारे पास जैसे मान लो नई गाड़ी दे दिया हमने, है ना, तो उसकी ना सर्विस करनी पड़ती है हमें। तो उस सर्विस में क्या होता है कि जो इंजन ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इसको रिप्लेस करते हैं, ऑयल फिल्टर को भी रिप्लेस करते हैं। तो क्यों किया जाता है? देखो ध्यान दो, इसका मेन जो कारण है वो ये है कि जो एक इंजन ऑयल होता है ना, उसकी लाइफ होती है। क्या होती है? लाइफ। या तो उसको एक साल के अंदर रिप्लेस करना होता है, या फिर 10 से 20,000 किलोमीटर के बाद उसको रिप्लेस करना होता है। इन दोनों कंडीशन में जो कंडीशन पहले फुलफिल होगी, वो कंडीशन आपने फॉलो करनी है। मान लीजिए आपके एक महीने के अंदर 10,000 किलोमीटर हो गए, 20,000 किलोमीटर हो गए, तो गाड़ी की जो इंजन ऑयल है और ऑयल फिल्टर है, दोनों बदलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि गाड़ी चली नहीं, 5-10,000 किलोमीटर चली और एक साल हो गया, समझ गए, तब भी गाड़ी की सर्विस करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ मैं, जैसे खाना बनाते हैं ना, मान लीजिए शाम को खाना बनाया, सुबह खाना बनाया, तो जो खाना होता था तो उसको टाइम नहीं खा लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं खाया तब भी वो अगले टाइम के लिए खराब हो जाता है। गर्मी में कैसे होता ना, तो वही चीज इंजन ऑयल के साथ होता है, अगर आपने टाइमली यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको एक साल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन होते हैं, याद रखना। अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर की रिप्लेसमेंट का, इसमें इसलिए बदलना पड़ता है इनको ताकि जो हमारा इंजन है उसके अंदर जो इंजन ऑयल लुब्रिकेशन का काम करता है वो अच्छे से होता रहे। अगर इंजन ऑयल खराब हो गया, इंजन के पार्ट्स में लुब्रिकेशन नहीं होगा, तो पार्ट्स खराब हो सकते हैं, घर्षण बढ़ सकता है, इंजन सीज हो सकता है। तो इंजन की सुरक्षा के लिए ये जो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को रिप्लेस करना, ठीक है, ये तो बताया मैंने क्यों जरूरी है। अब इसके स्टेप्स क्या स्टेप्स होंगे, ध्यान दो इधर। सबसे पहले तो मैं ये स्टेप्स बताऊंगा, इंजन ऑयल के लेवल जो है ना वो कैसे चेक करना है, इंजन ऑयल का लेवल, गाड़ी में इंजन ऑयल होता है उसको कैसे चेक करना है। फर्स्ट स्टेप आता है, आपने हमेशा गाड़ी को प्लेन और मजबूत जगह पर खड़ा कर दिया, करना है हैंड ब्रेक लगा ली, बोनट का लीवर दबाया और बोनट को खोल दिया और उसको लीवर से स्पोर्ट कर दिया। उसके बाद इंजन में एक वहां पर डिपस्टिक लगी होती है, साइड में इंजन के साइड में डिपस्टिक लगी होती है, उस डिपस्टिक को आपने क्या करना है, खोलना है। जैसे आप उसको डिपस्टिक को खोलोगे, ये दिख रही है आपको, ऐसी डिपस्टिक होती है इंजन में लगी होती है। तो ये डिपस्टिक इसलिए दी जाती है ताकि इंजन में इंजन ऑयल का लेवल कितना है उसका पता कर सके। अब क्या किया हमने, डिपस्टिक को निकाला पहले, है ना, डिपस्टिक को निकालने के बाद उसको कपड़े से साफ करेंगे, फिर दोबारा डिपस्टिक को इंजन में डालेंगे, जैसे ही दोबारा इंजन में डालेंगे तो उसके बाद उसको दोबारा निकालेंगे तो ऑयल का लेवल क्या होता है डिपस्टिक के ऊपर लग जाता है। तो जो डिपस्टिक पे जो ऑयल का लेवल होगा वो होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में। डिपस्टिक पर दो पॉइंट दिए होते हैं, कोता मिनिमम एक होता है मैक्सिमम, तो उन दोनों के बीच में इंजन ऑयल का लेवल होना चाहिए। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम से नीचे होगा तो इंजन खराब हो सकता है क्योंकि ऑयल कम है, और मैक्सिमम से ऊपर होगा तो मे भी हो सकता है कि वो पावर कंज्यूमशन ज्यादा करेगा इंजन की, तो उन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया आपने, देखा इंजन ऑयल का लेवल ठीक है, अगर कम होगा तो उस केस में आपने और इंजन ऑयल डालना है। क्या करना है? और इंजन ऑयल डालना है, उसका लेवल सही करना है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है, मान लीजिए इंजन ऑयल खराब हो चुका है, क्या हो चुका है, वो काला पड़ चुका है और उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस कंडीशन में उसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब इंजन ऑयल को बदलने के लिए हमें कुछ एक सामान चाहिए, टूल चाहिए, क्या 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 चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को। हमें सबसे पहले चाहिए नया इंजन ऑयल, जितना गाड़ी में पड़ेगा, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, नया ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर को निकालने का टूल,
फिर उसके बाद ड्रेन प्लग होता है इंजन में लगा, उसको निकालने का टूल चाहिए, फिर उसके बाद एक कंटेनर चाहिए होता है। ये चीजें हमें चाहिए इंजन ऑयल फिल्टर को बदलने के लिए। अब क्या करेंगे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान दो इधर, हम क्या करेंगे, गाड़ी हमारी प्लेन जगह पर खड़ी है, उसके नीचे हम क्या करेंगे हाइड्रोलिक जैक लगाएंगे, जैक लगाएंगे, जैक लगाकर हम गाड़ी का आगे वाला जो पोर्शन होता है ना उसको उठा लेंगे। उठा लिया, नीचे जैक स्टैंड लगा दो। क्या लगा दो? जैक स्टैंड। जैक स्टैंड नहीं है तो लोग लकड़ी का टुकड़ा मजबूत मजबूत लगा देते हैं दोनों साइड, गाड़ी का आगे वाला पोर्शन उठ गया। हाइड्रोलिक जैक को आप हटा दो, निकाल दो, उसको साइड करो। अब क्या करना आपने, इंजन के ऊपर, इंजन को भरने की एक जगह होती है ऑयल फिलिंग, ये जो यहाँ पर कैप रहता है, इंजन ऑयल कैप रहता है यहाँ पे, उसको निकालना हमने सबसे पहले। निकाल दिया, इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हम टूल लेंगे, ये टूल लेंगे और साथ में जो कंटेनर होता है जिसमें हमने इंजन ऑयल इकट्ठा करना है वो भी ले लेंगे। अब उसको लेने के बाद क्या करेंगे हम, देखो ध्यान दो, ये दिख रहा है आपको फोटो, यहां पर इंजन ऑयल के, इंजन के नीचे यहां पर ऑयल सम्प होता है, ऑयल चैम्बर, यहां पर लगा होता है ड्रेन प्लग, क्या लगा होता है, नट होता है, वाल्व में बोल्ट होता है, सॉरी बोल्ट शायद, तो उसको हम स्पैनर की सहायता से निकाल देंगे और नीचे रख देंगे हम ये कंटेनर, और जैसे निकालेंगे सारा का सारा पुराना इंजन ऑयल कहां जाएगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। जैसे ही कंटेनर में सारा ऑयल आ गया इसको निकाल लो, हटा दो यहां से, हटा दिया। अब क्या करेंगे, जो ड्रेन बोल्ट निकाला था हमने इसको दोबारा अपनी जगह पे लगा लेंगे मजबूती से, लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम, अब अगला स्टेप होता है ऑयल फिल्टर को निकालने का, ऑयल फिल्टर को निकालने का टूल लेंगे और जो इंजन में ऑयल फिल्टर लगा होता है उसको वहां पर टूल फंसा गया और उसको ऑयल फिल्टर को निकाल देंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए, पुराना ऑयल फिल्टर भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम नया ऑयल फिल्टर लेंगे, उसी ऑयल फिल्टर क्लैंपिंग टूल की सहायता से नया वाला ऑयल फिल्टर पुराने की जगह लगा देंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब हम नया इंजन ऑयल लेंगे, क्या करेंगे नया इंजन ऑयल लेंगे, और नया इंजन ऑयल लेने के बाद इंजन के ऊपर जो कैप निकाला था हमने यहां से नया इंजन ऑयल डालेंगे जितना हमें डालना है, 4 लीटर 5 लीटर 3 लीटर वो डाल देंगे। डाल दिया, अब ये ऑयल कैप लगा दो, लगा दिया आपने, है ना, ड्रेन बोल्ट प्लग निकाला था वो लगा दिया, ऑयल फिल्टर भी बदल दिया, अब इंजन ऑयल भी डाल दिया और कैप लगा दिया। इसके बाद करना हमने इंजन को स्टार्ट, क्या करना है इंजन को स्टार्ट, इंजन स्टार्ट किया, फिर इंजन स्टार्ट करने के बाद इंजन की वर्किंग को चेक करो और ऑयल की लीकेज को चेक करो, ऑयल लीक तो नहीं कर रहा, ये काम कर दिया। जब आपको लग रहा है कि ऑयल ठीक है, लीक कर रहा है, इंजन काम कर रहा है अच्छे से, तब क्या करना आपने, गाड़ी के नीचे हाइड्रोलिक जैक लगाना है और हाइड्रोलिक जैक लगाकर गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाओ और जो हमने स्टैंड लगाए हैं उनको रिमूव करो, फिर हाइड्रोलिक जैक को डाउन करो, गाड़ी आपकी डाउन हो जाएगी, हाइड्रोलिक जैक को निकाल कर साइड करो। और लास्ट में क्या करना हमने, गाड़ी का जो बोनट होता है उसको लगा दिया, बंद कर दिया गाड़ी को, और इस तरह से आपकी जो गाड़ी की ऑयल फिल्टर है ना, ऑयल चेंजिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप खुद से भी गाड़ी का जो, चाहे बाइक होगी चाहे गाड़ी होगी, उसका ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल दोनों चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट।